दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप लोगों को होमवर्क मिला था वर्ग पूर्ति, रीजनिंग में वर्ग पूर्ति करने वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको वर्ग का एक भाग प्रश्न आकृति में और वर्ग का दूसरा भाग उत्तर आकृति में चार में से एक विकल्प चुनना था। तो उसमें 100 क्वेश्चंस था, 100 क्वेश्चंस का सबसे पहले आप उत्तर देखिए, उत्तर देख करके आप मिलान कीजिएगा, फिर अपने आप को जांचिए, देखिए कि आप कितना नंबर ला सकते हैं, 100 में कितना क्वेश्चंस को सही बना सकते हैं। तो ये आपका रहा 100 क्वेश्चंस का उत्तर, और फिर इधर इस उत्तर का व्याख्या फटाफट आप कर लीजिए। चास तक हुआ और इधर आपका फिर 50 से 76 से 100 तक, ठीक। अब हम आज देखेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप जितने प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन आप बनाए हैं, उनमें से सभी प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, जो कि अभी आपको हम दे रहे हैं, इसमें वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चंस, जैसे हमने कई प्रकार का क्वेश्चंस बनाया, लगभग 6-7 प्रकार का, तो उन 7 प्रकार का क्वेश्चन इसमें आपका इस प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्रश्न 1 से 5 तक। यहाँ पर देखिए आपको निर्देश दिया गया है कि 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 आकृतियाँ जो हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ, नहीं 4 आकृतियाँ इसमें दी हुई हैं, और इन 4 आकृतियों में से 3 में कुछ न कुछ समानता है और 1 जो है सो इनमें से अलग है। वही हमको देखना है, जिसको आप बनाए थे, इस प्रकार के रीजनिंग को आप कहे थे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का ये इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि इन 4 में से 3 में किसी हद तक समानता है और 1 इनमें से अलग है। तो कौन सा अलग होगा? तो ये होगा 4 नंबर, 4 नंबर होगा। इसलिए होगा क्योंकि इन तीनों में जो भी आकृति बनी हुई है, 3-3 आकृति तो सब में बनी हुई है, लेकिन इसमें देखिए 3 आकृति है तो तीनों प्लस का चिन्ह है, इसमें 3 आकृति है तो तीनों बराबर का चिन्ह है, इसमें 3 आकृति है तो तीनों आपका सर्किल है, वृत्त है, लेकिन इसमें देखिए आप 2 गुना का 1 प्लस का, इसलिए यही अलग है। प्रत्येक प्रकार का एक एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाते हैं, बाकी आपको खुद करना है, क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कहा है? 6 में आपको जो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। निर्देश में कहा है कि
समस्या आकृति तथा बाईं ओर उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी हुई है। इस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। ये हो गया आपका रीजनिंग का वह प्रकार जो आप बनाए थे समान आकृति, समान आकृति परीक्षण से है ये आपका, देख लीजिए। तो इसके जैसा सेम टू सेम इनमें से कौन सा है इन चारों में से, ठीक है? तो सेम टू सेम आपका एक नंबर मिल रहा है, देख लीजिए आप। ये सब तो सब छट जा रहा है, आसानी से आपको ये पहचान में आ जा रहा है, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में देखिए आप, 11 में क्या बोला है, आप निर्देश पढ़िए। निर्देश है कि बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है और जो दाईं तरफ दी हुई है 1, 2, 3, 4 में, यानी ये है आकृति पूर्ति परीक्षण। इस आकृति को, इस डिजाइन को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है? तो इस डिजाइन को पूरा करने के लिए कौन सा आएगा, जैसे यहाँ देखिए एक है, यहाँ दो है, फिर यहाँ भी दो है, तो यहाँ पर एक वाला होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तभी ये डिजाइन पूरा बनेगा। एक तरफ सिंगल स्क्वायर है, दूसरे तरफ डबल स्क्वायर है, यहाँ डबल स्क्वायर आ गया है इसलिए इधर सिंगल स्क्वायर वाला होगा, ठीक है? तो एक नंबर इसका सही विकल्प है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये पहले निर्देश पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि ऊपर की तरफ तीन समस्या आकृतियां दी गई है तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। देखिए ये है आपका श्रृंखला परीक्षण, सीरीज है, ये सीरीज है, तीन बार ये दिया हुआ है, नेक्स्ट बार ये कैसा होगा, तो इसके लिए भी आपको ये उत्तर आकृतियां दी हुई हैं, इस उत्तर आकृतियां से आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है, पहला से दूसरा में क्या परिवर्तन हुआ, दूसरा से फिर तीसरा में क्या हुआ, और तीसरा से फिर चौथा में क्या होगा, तो हो क्या रहा है इसको देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, ये हमको लगता है कि 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो ऊपर की आकृति है ये वर्ग, वो देखिए दूसरा में यहाँ पर आ गया, ठीक है? यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये सभी आकृतियाँ घूम रही हैं, ठीक? तो 90 डिग्री जब सभी आकृतियाँ घूम जाएंगी और यहाँ से भी 90 डिग्री ही घूम रहा है, तो यहाँ से भी आपका 90 डिग्री ही घूमेगा, और इस तरह से ये वाला आकृति जो है सो यहाँ आना चाहिए इस जगह पर, ठीक है? इसलिए यही हो रहा है वन नंबर, क्योंकि और किसी में नहीं है, ये जो आयत है, आयत यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर किस में है, एक नंबर में है, ठीक है? तो एक नंबर, अच्छा एक नंबर में ही है, देख लीजिए ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये आकृति जो है आयत की आकृति वो इस जगह पर आ जाएगी, तो इस जगह पर आएगी, तो इस जगह पर किस में है, केवल एक में, और तो किसी में है नहीं, इसलिए एक नंबर ही इसका सही उत्तर होगा 16 का। उसके बाद हम लोग चलते हैं 21 नंबर में, फिर आपका अलग होगा, उसका निर्देश हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। पहले आप निर्देश पढ़िए क्या कहा गया है। 21 से 25 तक के प्रश्नों में तीन समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। देखिए यहाँ भी तीन के बाद चौथी पर बना हुआ था आपका, इसके पहले वाला में यानी श्रृंखला वाला में, और ये आपका श्रृंखला नहीं है, ये है आपका सहसंबंध या सादृश्यता संबंध परीक्षण, सहसंबंध है। यहाँ पर क्या देखना है कि जो संबंध 1 और 2 में है, आकृति संख्या 1 और आकृति संख्या 2 में जो संबंध है,
वही संबंध आकृति संख्या 3 और आकृति संख्या 4 में होना चाहिए जहाँ पर खाली स्थान है। तो हुआ क्या है, देखिए 1 से 2 में क्या हो गया, 1 से 2 में यही हुआ कि 1 में आपका बीच का भाग जो है सो रंगा हुआ था। अब 2 में क्या हो गया, केवल कि बीच का भाग सादा हो गया और ऊपर और नीचे का भाग रंग गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा, बीच का भाग रंगा हुआ है तो बीच का सादा हो जाएगा और ये रंग जाएगा। इसका मतलब भी आपका आ रहा है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर ही होगा, 21 का 3 नंबर। जो संबंध पहली आकृति और दूसरी आकृति का है वही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृति का होना चाहिए। ये दोनों एक जैसा, ये दोनों एक जैसा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर फिर आपका अलग है, इसमें है आपका क्या दिया हुआ है, 26 से 30 तक के प्रश्नों में वर्ग का एक भाग, अच्छा वर्ग पूर्ति, वर्ग का भाग दिया हुआ है, एक भाग आपका प्रश्न में दिया हुआ है समस्या आकृति में और उसका दूसरा भाग उत्तर आकृतियों के इन चारों में से एक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा इसमें ठीक से फिट बैठेगा ताकि एक वर्ग बन जाएगा। तो देखना होगा कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, इसको आप नाप के देख सकते हैं स्केल से, और फिर इतना दिया हुआ है तो फिर अगर कौन सा बैठेगा। ये तो 1 नंबर तो बैठेगा नहीं, 2 नंबर, 2 नंबर भी अगर बैठाते हैं तो नहीं बैठ पाएगा, 3 नंबर, 3 नंबर भी नहीं होगा, 4 नंबर होगा। ये 4 नंबर जो है आपका सही आकृति है यहाँ पर इस वर्ग को पूरा करने के लिए, तब ये एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोला है, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं, वही वर्गीकरण वाला आ गया, फिर वही आ गया घुमा करके वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी 3 आकृतियाँ एक जैसी और 1 आकृति अलग। ठीक है, तो 1 आकृति कौन सी अलग हो सकती है ये हमको देखना है। ये देखिए ये क्या है, लैम्प, ये है टॉर्च, ये है दीपक और ये है आपका लालटेन। सभी तो रोशनी देने वाली है लेकिन इनमें से अलग है ये टॉर्च, क्योंकि टॉर्च जो है सो बैटरी से चलता है और ये सब तेल से चलते हैं, ईंधन से। ठीक है, अब देखते हैं हम सीधा चलते हैं अब 36 नंबर में। 36 में क्या बोला है, 36 से 40 तक के प्रश्नों में बाईं ओर 1 समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, अच्छा ये है समान आकृति परीक्षण वाला, फिर आ गया घुमा के, यानी इसी के जैसा इनमें से कौन है। 36 में आपको यही बोल रहा है कि इस आकृति के जैसा कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है आपको, कौन सा लग रहा है, 3 नंबर। हाँ 3 नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर ही इसके जैसा है, बाकी ये सब तो है नहीं, ये सब ऐसे छट रहा है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 36 के बाद सीधा 41। 41 में क्या बोला है, 41 में भी आपका सादृश्यता संबंध या सहसंबंध है, सहसंबंध यानी पहली आकृति और दूसरी आकृति का जो संबंध है वही संबंध तीसरी और चौथी का होना चाहिए। तो इसके लिए अब पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या हुआ है, ये घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया है, तो
पहली क्लॉकवाइज नहीं घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, इधर से घूम गया, ये पहली आकृति है और दूसरी आकृति आ गया ये वाला, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम करके थोड़ा सा फर्क भी हो गया है, जो एकदम सटा हुआ था ये फर्क हो गया, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी आपका फिर इस कोना में हो जाएगा और थोड़ा सा सट जाएगा तो चार नंबर हो जाएगा, ये आपका चार नंबर वाला, देख लीजिए आप बढ़िया से ध्यानपूर्वक, ठीक। अब 41 के बाद हम लोग चलते हैं सीधा 46 नंबर में, जहाँ पर आपको मिलेगा फिर वर्ग पूरा करने वाला, वर्ग पूर्ति परीक्षण है ये भी, तो वर्ग पूरा करने वाला देखिए 46 में कौन सा सही इसमें बैठ करके एक वर्ग को पूरा करेगा, ये तो होगा नहीं। 1 और 4 जो है सो आपका संभावित है, अब देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा संभावित है। 1 में जो है ये ज़्यादा यहाँ पर तक आया हुआ है, सटा हुआ है, जबकि ये ऊपर ही है ना, तो इतना गैपिंग भी होना चाहिए, इसलिए 4 वाला ही ज़्यादा सटीक है, 4 वाला ही आपका यहाँ पर सेट होकर के एक वर्ग पूरा करेगा। तो ये आपका हो गया, आपका ये प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का बनाना है, आपको करना है खुद, हम 50 जितना क्वेश्चन है इसमें 50 क्वेश्चन है, इसको हम अपलोड कर देते हैं और हम 50 में से 10 क्वेश्चन आपको समझा भी दिए हैं, सभी प्रकार में से एक एक। तो देखिए आपका ये पहले निर्देश, इस निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा, जो निर्देश दिया हुआ है उसके बाद ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले 1 से आप निर्देश देख लीजिए, फिर 1 से 5 तक, 4 तक हो गया ये, 5 तक, 1 से 5 तक का एक निर्देश था, फिर देखिए आप 6 से 10 तक का आपका ये निर्देश है, इसमें 7 तक हुआ है, 6 से 10 तक एक निर्देश के अंदर जाएगा, और फिर 11 से 15 तक का अलग निर्देश है, ये आप देख लीजिए, 11, 12, 13, 14, 15 तक का एक है, फिर 16 से आपको चलते हैं, 16 से 20 तक का अलग है, 16 17 18 19 20 तक हो गया, फिर 21 से अलग निर्देश है आपका, देखिए जो निर्देश दिया हुआ है निर्देश को समझना ज़रूरी है, उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस निर्देश का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 24-25 तक, फिर उसके बाद 26 से अलग है वर्ग पूरा करने वाला, 30 तक, 31 से 35 तक अलग निर्देश है, 35 नंबर ये हो गया, फिर 36 से देखिए निर्देश आपका, निर्देश को आप ज़रूर पढ़िए, 40 तक ये हो गया, फिर 41 से अलग है, 41 से 45 तक ये आपका हो गया, 43 तक, उसके बाद 44, 45, फिर 46 से आपका निर्देश अलग है, यहाँ से देख लीजिए 46 से 50 तक का निर्देश, 46 से 50 तक का आपका ये निर्देश बता रहा है वर्ग पूरा करने का, 50 इस तरह से आपका ये 50 क्वेश्चन हो गया, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसमें देखेंगे आप कितना सही बना पा रहे हैं। धन्यवाद।